अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिसर्च डिजाइंस। रिसर्च डिजाइंस की बात करें तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि हमारी रिसर्च क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स मेथड रिसर्च है। अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड की बात करें तो उसमें जो मोस्ट फेमस टेक्निक्स हैं वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल सर्वेस। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें नरेटिव रिसर्च आ जाती है, फिनोमेनोलॉजी आ जाती है, ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है, एथनोग्राफी आ जाती है, केस स्टडी आ जाती है। अगर आप मिक्स मेथड्स की बात करें तो उसमें कन्वर्जेंट आ जाती है, एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल आ जाती है, एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल आ जाती है, और ट्रांसफॉर्मेटिव, एम्बेडेड और मल्टाई फेज आ जाती है। सबसे पहले हम रिसर्च डिजाइंस जो कि क्वांटिटेटिव हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइंस की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि कौन सा मेथड आता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सर्वे का तरीका आता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जी कौन सी स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी होती हैं। क्वांटिटेटिव डिजाइंस की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मली पोस्ट पॉजिटिविस्ट वर्ल्ड व्यू जो है उसको हम लेते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। दीज इंक्लूडिव एक्सपेरिमेंट्स एंड द लेस रिजरस एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट्स। क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स की तरह से होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस उतनी कंट्रोल्ड नहीं होती हैं जितनी के ट्रू एक्सपेरिमेंट में होती है। इसके बाद जो है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, इन विच एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड ओवर टाइम टू ए सिंगल इंडिविजुअल और स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके साथ जो नॉन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च है, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इट कंपेयर्स टू और मोर ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ ए कॉज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट हैज हैपेंड। अनदर नॉन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ रिसर्च इज नॉन एज कोरिलेशनल डिजाइन, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को असेस करते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लीनियर मॉडलिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग है, फैक्टोरियल डिजाइन है, रिपीटेड मेजर डिजाइन है, ये सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटेटिव स्ट्रेटेजीज है जो हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी जो है मेन मेथड्स यूज किए जाते हैं क्वान्टिटेटिव में। सबसे पहला जो मेथड है वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या होता है, अगर हमने क्वांटिटेटिवली और न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करना हो ट्रेंड्स को, एटीट्यूड्स को और ओपिनियंस ऑफ ए पॉपुलेशन बाय स्टडिंग अ सैंपल ऑफ दैट पॉपुलेशन। आपको पता है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना आसान नहीं होता, तो इसलिए हमें ट्रेंड देखने के लिए, एटीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए या ओपिनियंस लोगों के लेने के लिए हम सैंपल जो है वो ले लेते हैं। सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और कोशिश की जाती है तो जो सैंपलिंग की जाए वो रिप्रेजेंटेटिव हो। ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है। क्रॉस सेक्शनल ये होता है कि जी मुख्तलिफ लोगों को एक ही वक्त में स्टडी कर लिया जाता है, ठीक है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में एक ही ग्रुप को लंबे अरसे तक के लिए स्टडी किया जाता है और फिर उनके रिजल्ट को जो है वो कंपेयर कर लिया जाता है, ठीक है। आमतौर पर इसमें क्वेश्चनेयर्स और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा कलेक्शन में विद इंटेंट ऑफ जनरलाइजिंग फ्रॉम ए सैंपल टू ए पॉपुलेशन। फिर हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें वी मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ऑर्डर टू स्टडी इट्स इंपैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी चेंज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके ऊपर जो है वो चेंज किया जाता है, दैट इज मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर चेंज लाने की वजह से बदल सकता हो या ना बदल सकता हो, ठीक है। इसके साथ कुछ एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें लाजमी अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या रैंडम सेलेक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें नॉन रैंडमाइज्ड असाइनमेंट जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सीक्स टू डिटरमाइन इफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंसेस एन आउटकम द
The researcher assesses this by providing a specific treatment to one group of individuals and withholding it from another. यानी हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम अप्लाई करते हैं, और एक कंट्रोल ग्रुप होता है जो कि हर लिहाज से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरह का होता है, सिवाय एक फर्क होता है कि उसमें हमने क्या कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इतलाक हम नहीं करते, ठीक है। और काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ओनली जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हमने डिग्री ऑफ रिलेशन देखना हो तो हम सर्वे करते हैं या रिसर्च मेथड कोरिलेशनल रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइंस में, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस में। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च इज अ डिजाइन ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज इन विच द रिसर्चर स्टडीज द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आस्क वन और मोर इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड स्टोरीज अबाउट देयर लाइफ। इसमें लोगों को अपनी स्टोरी नरेट करने को कहा जाता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज ऑफन रीटोल्ड और रीस्टोरीड बाय द रिसर्चर इनटू अ नरेटिव क्रोनोलॉजी, जिसको रिसर्चर फिर रीस्टोरी करता है या रीटोल्ड करता है, ठीक है। ऑफन इन द एंड द नरेटिव कंबाइंस व्यूज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स लाइव विद दोज ऑफ द रिसर्चर्स लाइफ इन अ कोलैबोरेटिव नरेटिव। फिर रिसर्चर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उनको बयान करता है या एक्सप्लेन करता है। यूं जो है नरेटिव रिसर्च का प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है, कि हम इसमें लोगों की स्टोरीज के बारे में, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, द डिजाइन ऑफ इंक्वायरी कमिंग फ्रॉम फिलोसफी एंड साइकोलॉजी इन विच द रिसर्चर डिस्क्राइब्स द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स अबाउट अ फिनोमेना एज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स, कि जिंदगी के बारे में जो उनके तजुर्बात होते हैं वो किस तरीके से बयान करते हैं उसको हम फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन कल्मिनेट्स इन द सेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर सेवरल इंडिविजुअल्स ओवर ऑल एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना। This design is strong philosophical underpinning and typically involves conducting interviews. ठीक है, normally interview conduct किए जाते हैं ताकि हम phenomenological research जो है वो conduct कर सकें। फिर next जो है वो है grounded theory. Grounded theory is a design of inquiry from sociology in which the researcher derives a general abstract theory of a process, action or interaction grounded in the view of participants. ठीक है, कि लोगों के जो पार्टिसिपेंट्स के व्यूज होते हैं उनकी बिना पर मल्टीपल स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन करके डिफरेंट थीम्स आइडेंटिफाई की जाती हैं, फिर उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, उनको रिफाइन किया जाता है, उनको आपस में इंटर रिलेट किया जाता है, और यूं एक थ्योरी जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट से जनरल की तरफ पहुँचते हैं और हम एक थ्योरी जो है वो बयान करते हैं। Grounded theory is a design of inquiry from sociology in which the researcher derives a general abstract theory of a process, action or interaction grounded in the view of participants. This process involves using multiple stages of data collection and the refinement in interrelationship of categories of information. फिर उसके बाद एथनोग्राफी है। एथनोग्राफी की अगर हम बात करें, ethnography is a design of inquiry coming from anthropology and sociology in which the researcher studies the shared patterns of behavior, कि जो लोगों की जिंदगी के शेयर्ड पैटर्न हैं, कि किस तरीके से सब लोग मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं, कौन से बिहेवियर्स उनके एक जैसे हैं, लैंग्वेज किस तरीके से वो बोलते हैं, या इंटैक्ट कल्चरल ग्रुप में जब वो रहते हैं तो किस तरीके का बिहेवियर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनाते हैं, उसको हम एथनोग्राफी में स्टडी करते हैं। एथनोग्राफी इज अ डिजाइन ऑफ इंक्वायरी कमिंग फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन विच द रिसर्चर स्टडीज द shared patterns of behavior, language and actions of an intact cultural group in a national setting over a prolonged period of time. Data collection often involves observation and interviews. Phir hum case studies pe aa jate hain. Case studies are a design of inquiry found in the many fields, especially evaluation, in which the researcher develops an in-depth analysis of a case, often a program, event, activity, process of one or more individual. Theek hai, isme ya to hum in-depth analysis karte hain kisi case ka, किसी प्रोग्राम का, किसी इवेंट का, किसी एक्टिविटी का, किसी प्रोसेस का, या वन और मोर इंडिविजुअल्स का। केसेस आर बाउंड बाय टाइम एंड एक्टिविटी एंड रिसर्चर कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। फिर आ जाते हैं मिक्स मेथड रिसर्च में। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Procedure for expanding this method developed such as follows. Ways to integrate the quantitative and qualitative data such as one database could be used to check the accuracy of the other. कि ये validate करने के लिए कि जो हमने study की है वो ठीक की है या नहीं की, तो हम both quantitative and qualitative method को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो mixed method जो है वो
इस्तेमाल होता है. वन डेटाबेस कुड हेल्प एक्सप्लेन द अदर डेटाबेस. ठीक है, या तो हम वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या हम एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों को डिफरेंट तरीकों के सवालात से स्टडी किया जाता है और फिर उस तरीके से हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी हम टॉपिक इन हैंड के ऊपर काम कर रहे हैं. वन डेटाबेस कुड लीड टू बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट वेल सूटेड फॉर सैंपल और पॉपुलेशन. वन डेटाबेस could build on the other database and one database could alternate with another database back and forth during a longitudinal study. एक ऊपर database के ऊपर दूसरा database build भी कर सकता है. ठीक है, या फिर ये है कि हमें नए बेहतर instruments जो है provide कर सकता है जो कि हम sample या population को study करने के लिए use कर सकते हैं. अब हम methods की तरफ आ जाते हैं. कौन कौन से research designs हैं? Convergent parallel mixed method design is a form of mixed method design in which the researcher converges or merges quantitative and qualitative data. The qualitative and quantitative data को आपस में मर्ज कर दिया जाता है ताकि हम comprehensive analysis of problem कर सकें. Qualitative और quantitative को एक ही time पर start किया जाता है और फिर data को integrate कर लिया जाता है. Explanatory sequential mixed method जिसमें पहले हम quantitative research करते हैं, फिर उसके results को analyze करते हैं, फिर उसको जो है वो क्वालिटेटिव मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फिर एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल मिक्स मेथड रिसर्च है. इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, व्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट्स कहते करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं. ठीक है, और जब वो इंफॉर्मेशन बिल्ड हो जाती है तो उसकी बिना पर हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी. ट्रांसफॉर्मेटिव स्टडी की अगर हम बात करें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च जिसमें दैट यूजेस अ थ्योरेटिकल लेंस ड्रॉन फ्रॉम द सोशल जस्टिस ऑफ पावर. इट इज एन ओवरआर्किंग पर्सपेक्टिव विद द डिजाइन दैट कंटेन्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा. द डाटा इन दिस फॉर्म ऑफ स्टडी कुड बी कन्वर्ज और इट कुड बी ऑर्डर्ड सिक्वेंशियली विद वन बिल्डिंग ऑन द अदर. एन एम्बॉडीड मिक्स मेथड डिजाइन इन्वॉल्व्स अ वेल as well as convergent or sequential use of data, but the core idea is either quantitative or qualitative data is embedded within the larger design and the data sources plays a supporting role in the overall design. एक हमारे पास major method होता है, उसके अंदर हम दूसरी method को small पैमाने पर use करते हैं और जो उसके results होते हैं वो bigger जो method हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हम fix कर देते हैं. फिर multi-phase mixed method है. It is a common in the field of evaluation and program intervention. ठीक है, और इसमें हम concurrent और sequential strategies use करते हैं in tandem over time to best generate time long term goal. ठीक है, तो ये सारे different जो हैं वो research designs हैं जिसमें हम different methods इस्तेमाल करते हैं. Basically three types हैं, qualitative, quantitative और उसके बाद mixed method research. Qualitative में जो है वो नरेटिव रिसर्च आ जाती है, फिनोलॉजी आ जाती है, ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है, एथनोग्राफी आ जाती है और केस स्टडी आ जाती है. क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ जाते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ जाते हैं जैसे कि सर्वे. ठीक है, मिक्स मेथड रिसर्च में कन्वर्जेंट आ जाता है, एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल आ जाता है जिसमें हम पहले क्वान्टिटेटिव इस्तेमाल करते हैं फिर क्वालिटेटिव इस्तेमाल करते हैं. कन्वर्जेंट में दोनों एट द सेम टाइम यूज करते हैं. एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल में पहले क्वालिटेटिव करते हैं और फिर क्वान्टिटेटिव करते हैं. ट्रांसफॉर्मेटिव में एक बड़ा मेथड होता है, उसके अंदर हम एक छोटे मेथड को करते हैं और फिर उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं या फिर मल्टी फेज के डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट मेथड्स को बार बार इस्तेमाल किया जाता है और यूं जो है वो अपनी स्टडी को कैरी ऑन किया जाता है. ठीक है जी, होपफुली आपको टॉपिक समझ आ गया होगा. इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं. ठीक है, आज हमने रिसर्च डिजाइन के बारे में डिस्कस किया था.